हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत सारे स्टेशनरी टॉय गिफ्ट। तो चलो दोस्तों, एक एक करके इन्हें मैं ओपन करते हैं और दिखाता हूँ देरी ना करते हुए। तो दोस्तों, ये है मेरे पास एक गन। तो ये मेरे पास है ट्रांसपेरेंट गन। तो दोस्तों, इसके नीचे कुछ दिया गया है स्विच। तो पहला अगर मैं ओपन करता हूँ ये स्विच, तो यहाँ पर जल जाती है लाइट। ये देख सकते हो कितनी इनक्रेडिबल, कितनी ब्यूटीफुल ये लाइट लग रही है। और दोस्तों, दूसरा अगर मैं आगे से स्विच बढ़ाता हूं, तो इसमें बजने लगता है म्यूजिक। तो दोस्तों, ये आपका म्यूजिक बजेगा। ये देखो, मैंने स्टिकर दबाया, ये देखो दोस्तों, क्या देख सकते हो। और दोस्तों, ट्रांसपेरेंट गन का मतलब ये होता है कि अंदर की सारी चीजें हम देख सकते हैं। वाओ, कितना इनक्रेडिबल लग रहा है दोस्तों। पूरी मशीन का ना, यहाँ पर एक एलईडी लाइट दी जाती है जो कि डिटू कर रही है। और दोस्तों, इसे तो मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल में। और दोस्तों, साइड में देखो, ये स्विच दे रखा है, मैं बटन दे रखा है। अगर मैं स्विच को बटन को दबाता हूँ, ये देखो दोस्तों, तो यहाँ पर मैगजीन बाहर निकल के आ जाती है। ये मैगजीन हमारी है सेल वाली मैगजीन। तो दोस्तों, ये देख सकते हो कितनी इनक्रेडिबल। अगर सेल खत्म हो जाते हैं तो उसके रिप्लेस भी हम कर सकते हैं। तो इस मैगजीन को अगर लगाना है तो दोबारा से स्टिकर को दबाना है, साथ में यहाँ पर ये छोड़ना है, फिर इसके बाद ये लगा देना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इनक्रेडिबल गन है। चलो एक बार और मैं इसे चला के दिखा देता हूँ। वाओ, तो चलो ये थी दोस्तों हमारी गन। और इसको रखते हैं अपने साइड में और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास, ये तो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा मिनी पाउच यूनिकॉर्न का। वाह, बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत ही लग्जरी, बहुत ही प्यारा मिनी पाउच है। ये पॉकेटेबल है, हम अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं इसको। अगर कोई मिनी स्टेशनरी गिफ्ट है या फिर मिनी स्टेशनरी हमारे पास कोई आइटम है, तो हम इसको इसके अंदर रख सकते हैं। वाह, कितना स्पेस मिल जाता है इस छोटे से मिनी पाउच में। तो चलो दोस्तों, और बच्चे इससे खेल भी सकते हैं। ये देखो दोस्तों, ज्यादा मजा आता है जब हम इनको प्रेस करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इनक्रेडिबल है। और इसके साथ ही एक बेल्ट मिल जाती है जो हम अपने गले में लगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, इसको रखते हैं अपने पास। वाओ, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों, तो दोस्तों, ये आपने तो इसका नाम सुना ही होगा और बहुत ही फेमस है आज की डेट में, और बहुत ही इनक्रेडिबल है ये BTS का पाउच। ये हमारा BTS का प्रीमियम गिफ्ट पैक। तो चलो दोस्तों, इसको हम खोलते हैं। और खोलते कहाँ से, वाओ, कहाँ से खोल, यहाँ। तो दोस्तों, यहाँ से ओपन होने वाला है। चलो तो देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या निकलता है। तो दोस्तों, ये देखो, इसके अंदर निकलता है कि BTS का पाउच, बहुत ही इनक्रेडिबल है। आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, स्काई ब्लू कलर का ये। वाओ, और यहाँ पर भी एक BTS का लोगो बना हुआ है, बहुत, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है। और दोस्तों, अगर मैं इसे ओपन करके दिखाऊं आपको, तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा पाउच ओपन हो गया। इसमें काफी सारा स्टेशनरी सामान आ सकता है दोस्तों, बहुत सारा, खासकर स्केल, रबड़, पेंसिल, शार्पनर और कंपास, एनीथिंग, मतलब बहुत सारा। और मतलब एक ज्योमेट्री के कंपैरिजन में इसमें काफी ज्यादा आर्टिकल हमारा आ सकता है। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल पाउच है BTS का। चलो दोस्तों, इसको पाउच को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें की दे रखी है जो कि बहुत ही अच्छी है। देखो, हम इसको ऐसे करके लटका भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा पाउच। और दोस्तों, एक और हमारा इसके अंदर पाउच है, ये देखते हैं क्या चीज है। तो दोस्तों, आप गैस कर सकते हो क्या है इसके अंदर। मैं तो इससे पहले नहीं कर पाया था, लेकिन अब मैंने गैस कर लिया। ये देखो कितनी अच्छी जो इमेज है बनी हुई है, स्टार कलर में और स्टार शेप में जो बनी हुई इमेज, बहुत ही इनक्रेडिबल, बहुत ही इमेजिंग लग रही है। और दोस्तों, ये जो फर है ना, बहुत ही मुलायम लग रहा है। वाह, बहुत ही इनक्रेडिबल, इस पर हाथ लगाने से बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये देख सकते हो दोस्तों, ये फर बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टचेबल है। तो चलो दोस्तों, इसको ओपन करते हैं। और दोस्तों, इसको ओपन करते ही निकलते इसमें एक डायरी बुक। वाओ, इसमें हम अपनी डायरी लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग। और इसके जो पेज है बहुत ही सॉफ्ट है। वाओ, कितने इनक्रेडिबल है दोस्तों, आप देख सकते हो। इसमें जो राइटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी। तो चलो दोस्तों, इसको भी रखते हैं अपने पास। और ये जो फर है ना, बहुत ही अमेजिंग है दोस्तों, इसको खरीद के देखना। और इसके ऊपर एक बार अपना हाथ ऐसे करके देखना, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही फील अच्छा कराएगा। चलो दोस्तों, इसको रखते हैं अपने पास। और दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये तो दोस्तों, ये क्या हमारे पास, ये देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये हमारे पास एयरबस डिफॉर्मेशन रोबोट सुपर पावर। तो ये एक हमारा एरोप्लेन है जो कि रोबोट में चेंज हो जाता है, आप देख सकते हो। ये हमारा एरोप्लेन है, ये हमारा रोबोट है, ये एरोप्लेन, ये हमारा रोबोट है। और इसमें फीचर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक मिलते लाइट, यहाँ पर एक मिलता है बम ईगो, और यहाँ पर एक मिलता
म्यूजिक। तो दोस्तों ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल, चलो दोस्तों इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ और साइड से भी आपको दिखाई देता हूँ ये कैसे कैसे चेंज हो जाता है। ये पहले बनेगा एरोप्लेन, इसके बाद बनेगा रोबोट, तो आपको देखने में तो बहुत अच्छा ही लग रहा होगा। ये तीन आर्टिकल मैंने आपको दिखा दिए, तीन शेप में ऐसा होता है, वाह बहुत ही इनक्रेडिबल है। और ये दोस्तों इसके फीचर्स है, यहाँ पर ये देख सकते हो ये बैटरी कंपार्टमेंट है, ये टायर्स हैं इसके, ये ऊपर से दिखा रखा है। तो चलो देरी ना करते हुए दोस्तों मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। वाओ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कैसे हमारा एरोप्लेन निकलने वाला है और इसके अंदर कितना अमेजिंग, बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है। तो चलो दोस्तों देरी ना करते हुए जल्दी से निकालते, ये देखो दोस्तों ये तो हमारा मिनी एरोप्लेन निकल चुका है मोटा सा। वाओ, चलो दोस्तों इसके अंदर है, वाओ इसके अंदर एक ये चीज है। तो दोस्तों ये तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है इसके अंदर, जो कि एलईडी भी लगी हुई यहां पर, ये दोस्तों ये मैंने एडजस्ट कर दिया है। यहां ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा हुआ है और ये इसकी पंखड़ियां हैं और आगे से देख सकते हो ये एलईडी और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा हुआ है। और आप ये देख सकते हो जो गैपिंग है ना, ये डिफॉर्मेशन रोबोट के संकेत देते हैं कि डिफॉर्मेशन रोबोट में बदलता है। और यहां पर एक कंपार्टमेंट है बैटरी, जो कि इसमें तो मैंने बैटरी डाल दी है ऑलरेडी, और डबल ए की हमारे पास ये बैटरी इसमें लगती है। तो चलो दोस्तों इसको बंद कर देते हैं इस कंपार्टमेंट को। और यहां पर दोस्तों ये टायर्स हैं जो कि ये मिनी इसको घुमाते हैं। और यहां पर एक म्यूजिक सिस्टम है इसका, तो चलो दोस्तों इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमारी एयर पास 380, तो चलो दोस्तों देरी ना करते हुए इसको चला के दिखाता हूँ। यहां पर ये जो स्विच है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। इसकी जो साउंड है ये देख सकते हो, बिल्कुल ओरिजिनल एरोप्लेन जैसी लग रही है, ये देखो। वाह, चलो दोस्तों एक बार मैं इसको चला के भी दिखाता हूँ आपको। तो चलो दोस्तों बाहर चलते हैं, इसको मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि ये कैसे चलता है। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था, मैं बाहर चला के आपको दिखाता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से, और इसका स्विच जो है मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये देख सकते हो दोस्तों इसकी जो साउंड है ना, बिल्कुल ओरिजिनल एरोप्लेन जैसी लग रही है। वाओ, दोस्तों अभी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन होना बंद हो गया दोस्तों। चलो दोस्तों अब दोस्तों आपको दिखाऊं तो इसकी एलईडी आप आगे से देख सकते हो कितनी इनक्रेडिबल लग रही है। और इसकी साउंड जो बिल्कुल ओरिजिनल है, आप देख सकते हो ये देखो कितना इनक्रेडिबल है। चलो दोस्तों अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो चुका है, और दोस्तों ये देख सकते हो कितना इनक्रेडिबल लग रहा है। तो चलो दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं ये। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखा दूं टाइगर की मिनी, ये एक ज्योमेट्री है बहुत ही इनक्रेडिबल है, ये तीन की ज्योमेट्री है। वाओ, तो चलो दोस्तों इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूं। ये एक यहां पर एक कंपार्टमेंट मिल जाता है स्मॉल, और एक इसके नीचे हिडन कंपार्टमेंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये वर्थेबल ज्योमेट्री है, छोटी सी है, चीपेस्ट ज्योमेट्री है हमारी। वाओ, इसका कलर देख सकते हो बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। चलो दोस्तों ये तो बहुत ही मजेदार ज्योमेट्री इसको रखते हैं, और उसका जो कैरेक्टर था बहुत ही अमेजिंग लगा। और दोस्तों यहां पर आते हैं, तो यहां पर मिल जाती है एलिसा और एना की ये ज्योमेट्री है, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। ये देख सकते हो एलिसा, ये है एना, तो ये किटी स्टेशनरी है। चलो इसको ओपन करके देख सकते हैं। वाओ दोस्तों, इसे ओपन करते हैं तो हमारे पास मिलता है कुछ ऐसा कंपार्टमेंट मिलता है, जिसके अंदर हमें एक इरेजर, एक शार्पनर, एक पेंसिल, एक स्केल हमें मिल जाता है। और इस कंपार्टमेंट को हम अगर हटाते हैं, इसे ओपन करते हैं, तो इसके नीचे एक हिडन कंपार्टमेंट एक और मिल जाता है, जो कि ऐसा हमें दिखता है। और काफी स्पेस हमें देखने को इसमें मिल जाता है, काफी हमें अपनी स्टेशनरी इसके अंदर हम रख सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसको हम बंद कर देते हैं, और दोबारा से हम इसको लगा देते हैं ऐसे। और ये देख सकते हो स्काई ब्लू कलर की है ये ज्योमेट्री, बहुत ही अमेजिंग लग रही है। चलो दोस्तों देरी ना करते हुए, और भी हमारे पास ज्योमेट्री बची हुई है, जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ। और ये देख सकते हो दोस्त, ये हमारी बस ज्योमेट्री आ चुकी है, वल्कन स्पेस बस ज्योमेट्री। तो ये जो पिक्चर है कितनी इनक्रेडिबल लग रही है, आप सामने से देख ही सकते हो। और इसके अंदर चार आपको टायर देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये इधर से मूव भी कर सकती है। तो देख सकते हो दोस्तों कैसे मूव कर सकती है।
और चलो दोस्तों इसको ओपन करते हैं। वाओ दोस्तों इसको ओपन करते हैं तो ये हमें स्पेस देखने को मिल जाता है, ये छोटा सा स्पेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है और एक इसके नीचे स्पेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक और कंपार्टमेंट अगर हम इससे ओपन करते हैं तो ये देख सकते हो दोस्तों एक और कंपार्टमेंट हमें देखने को मिल जाता है, ये देखो दोस्तों जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल। यहाँ पर आपको एक बोर्ड मिल जाता है, यहाँ पर टेबल्स यहाँ पर लिखे हुए आप लर्न कर सकते हो और यहाँ पर एक और स्पेस आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों ये कितने स्पेस आपको देखने को इसमें मिल जाता है, कितने सारे स्पेस मिल जाते हैं, एक ये तो तीन स्पेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं, मीन्स तीन कंपार्टमेंट आपको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों चलो इसको बंद करते हैं और ये बहुत ही इनक्रेडिबल है और इसकी जो लुकिंग है ना बस टाइप में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही इनक्रेडिबल लग रही है और पिक्चर जहाँ पर बनी है इसको बहुत ही अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो चलो दोस्तों इसको भी रखते हैं अपने पास और ये दोस्तों वर्टेबल ज्योमेट्री है तो इसको रखते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक ये हमारे पास ज्योमेट्री है, ये देख सकते हो दोस्तों ये वाव हेलो किटी की एक ज्योमेट्री है, बहुत ही इनक्रेडिबल लगी है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक गेम भी दे रखी है, यहाँ पर ये जो गेम है और ये जो बॉल्स हैं इसको हमें इस बकेट के अंदर लेकर आना है। तो चलो दोस्तों क्या खेल के हम देख सकते हैं, ये देखो दोस्तों ओहो ये देखो दोस्तों ये जो है मैं इस बकेट के अंदर लेके आ चुका हूँ एक बॉल, ऐसे कर करके हमें तीनों बॉल इस बकेट के सॉरी चारों बॉल हमें इस बकेट के अंदर लेकर आनी है। तो दोस्तों प्रैक्टिस करना और देखते कि कौन बच्चा चारों बॉल इस बकेट के अंदर लेके आता, जो लेकर आएगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कर देना चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो चलो दोस्तों करते हैं इसको ओपन, तो इसमें एक पासवर्ड दे रखा है, ये हमारा 235, तो चलो 235 मैंने ऑलरेडी पासवर्ड दबा रखा है तो ये देख सकते हैं दोस्तों क्या ओपन होती है। हाँ तो दोस्तों ये ओपन हो चुकी है, वाह इसके अंदर दो हमें व्हाइट मार्कर दे रखे हैं, साथ में ये देख सकते हो दोस्तों दो मार्कर हमारे ओहो ये ओपन नहीं हो रही, ये देख सकते हो दोस्तों और दो हमारे डस्टर भी दे रखे हैं और इसके नीचे इतना स्पेस हमें मिल जाता, काफी सारी स्टेशनरी हम इसके अंदर रख सकते हैं दोस्तों आप देख ही सकते हो। तो चलो दोस्तों ये तो मेरे को बहुत ही मजेदार ज्योमेट्री लगी, खासकर इसमें मेरे को पासवर्ड बहुत अच्छा लगा और इसमें गेम तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। तो चलो दोस्तों इसको रखते हैं अपने पास और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो दोस्तों ये है मेरे पास पेंसिल बॉक्स, शायद मुझे लगता है आपने देखा भी नहीं होगा ऐसा कुछ पेंसिल बॉक्स, और नहीं देखा है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, देखा है तो भी हमें जरूर बताएं। तो ये देख सकते हो दोस्तों ये हमारे पास जंबो पेंसिल आ जाती है, तो दोस्तों आप गैस कर सकते हो कि कैसे चलती है। तो दोस्तों ये ओपन हो गई, वो ओ ये तो बैक से ओपन हुई है, वाह दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों जंबो पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स, वाह बहुत ही इनक्रेडिबल है और पिक्चर इसको बहुत ही सुंदर बनाती है। यहाँ पर हमें मिल जाता है कैलकुलेटर, तो चलो दोस्तों इसको मैं ऑन कर देता हूँ, ये मुझे लगता है इसके सेल्स वीक हो गए हैं तो ऑन तो हो नहीं पा रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें सेल लगाऊंगा तो अगली बार इसका नेक्स्ट टाइम इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास ज्योमेट्री थी और ये इसके अंदर एक कंपार्टमेंट हमें मिल जाता है और देखते हैं कि कौन कौन से कंपार्टमेंट हमें मिल जाते हैं। सर दोस्तों यही कंपार्टमेंट है क्या, ये भी कंपार्टमेंट है, नहीं दोस्तों ऐसा हमें कुछ कंपार्टमेंट हमें मिल जाता है, काफी सारी स्टेशनरी इसके अंदर हमें आ सकती है, तो ये वर्टेबल ज्योमेट्री है तो इसको रखते हैं, इसको बंद करते हैं और दोस्तों इसको ओ ये तो निकल गया, लेकिन देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक शार्पनर, तो हम इसमें से एक पेंसिल को शार्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कितना जंबो ज्योमेट्री बॉक्स है, बहुत ही इनक्रेडिबल लग रहा है दोस्तों, बहुत ही मजा आ गया मेरे को तो इसे देख के। और इसको हम लगा देते हैं, ये दोस्तों ये मैंने लगा दी, ये हमारी ज्योमेट्री बहुत ही इनक्रेडिबल लगी। दोस्तों आपको कैसी लगी, मेरे को तो लगी बहुत ही अच्छी, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो जंबो ज्योमेट्री बॉक्स, जंबो नहीं से पेंसिल ज्योमेट्री बॉक्स भी हम बोल सकते हैं। तो चलो दोस्तों इसको रखते हैं अपने पास यहाँ पर और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये तो दोस्तों यहाँ पर एक हमारी प्लास्टिक की ज्योमेट्री है, चीपेस्ट प्लास्टिक की ज्योमेट्री है, तो इसकी कॉस्ट है 10 रुपये, ओनली 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें गेम देखने को मिल जाती है, आप देख सकते हो छोटी सी गेम देखने को मिल जाती है जिसमें हम अपना टाइम पास कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसे ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ स्पेस देखने को मिल जाता है, इसमें हम अपनी काफ़ी सारी स्टेशनरी रख सकते हैं और काफ़ी सस्ती है ज्योमेट्री आती है, इसलिए मुझे वर्थेबल लगी, कोई भी इसको खरीद सकता है, कोई भी एनी स्टूडेंट एनी पर्सन एनी गाय कोई भी इसको खरीद सकता है, ओनली इसकी कीमत है 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये। और बहुत ही अच्छी ज्योमेट्री यहाँ पर, अपना
मतलब कि स्टेशनरी हम आर्टिकल तो इसमें रख ही सकते हैं। चलो दोस्तों ये तो बहुत प्यारी ज्योमेट्री, इसको भी रखते हैं अपने पास। और दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं यूनिकॉर्न, तो हमारे पास मिलते हैं यूनिकॉर्न की एक ज्योमेट्री मिलती है, आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, गैट ड्रीम। तो इसको ओपन करते हैं दोस्तों, इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा स्पेस मिलता है जहां पर हमारे पेंसिल लॉकर भी मिलते हैं। अगर पेंसिल लॉकर नहीं लगाना तो हम इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पर स्केल लगा कर फिर दोबारा इसको नीचे कर सकते हैं। और यहाँ पर हमको ड्यूअल शार्पनर हमें देखने को मिल जाता है, और दोस्तों चाहो तो इसको हम ओपन भी कर सकते हैं। इसको ओपन करने से हमें यहाँ पर हम अपनी पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, तो ड्यूअल शार्पनर हमें इसमें देखने को मिल जाता है। मैग्नेटिक ज्योमेट्री है ही, और साथ ही में इसमें एक टाइम टेबल भी मिल जाता है, अपना क्लास शेड्यूल हम इसमें रख सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ से हम ओपन करते हैं तो यहाँ से कुछ सिंपल ही स्पेस हमें मिल जाता है खाली, और ये मैग्नेटिक ये भी है हमें। तो चलो दोस्तों ये ज्योमेट्री बहुत ही अमेजिंग है। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ, टाटा एंड बाय बाय।